अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप सब लोग खैरियत हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हैं। तो अब सुबह का टाइम है और कल रात को मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आज स्पेशल कुछ बनाऊँगी, तो मैंने बस सुबह का नाश्ता कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और रात को भी देर से सोई थी, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और उसके पापा ऐसा और उसके पापा भी सो रहे, तो मैंने सोचा कि फटक फटक से मैं अपना पराठा खा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, पराठे को ठंडे रखने छोड़ दिए थे, इतना हार्ड हो गया कि क्या बताऊँ। तो बस मैं नहा वहा के रेडी होगी क्योंकि छुट्टी के टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है नहाना, हर कोई टाइम नहीं मिलता। तो बस नहा के मैंने देखा कि धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था और इतना मज़ेदार था और सारे पक्षी वगैरह भी उड़ रहे, तो इतना अच्छा फील हो रहा था वो देख के। वो ये लोग एक्चुअली जो पक्षी वगैरह है दुबई में, यहाँ पे क्या करते हैं ऐसे चीज़ों को, जानवर को सबको अपने खुद से लाइक गवर्नमेंट की तरफ से फूड मिलता है, तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो बस मैं गई देखी कि उसके पापा रईसा उसके पापा क्या कर रहे हैं, तो जाके देखा कि ये रईसा को खिला रहे थे कुछ चावल, वाइट चावल। तो मैंने सोचा कि चलो खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा एक्चुअली हम आज कैमल का गोश्त बनाने वाले, पर मेरे हस्बैंड को उनको बनाना था अभी, तो मैंने सब कुछ रेडी करके दे दिया ताकि वो आराम से लाइक वो टाइम लेके बना सके और आराम से सब कुछ उनको रेडी मिल जाए। कि कैसा होता है कि वो तो खाना बना लेते, पर ये किसी चीज़ को ढूंढने में वो कुछ कटिंग वगैरह कुछ करने के लिए वो ऐसे मतलब ढूंढते रहते हैं, ये वो। तो इससे अच्छा तो मैं ही कुछ सब कुछ कट करके दे देती हूँ, तो इसीलिए मैं जब भी वो खाना बनाते तो मैं सब कुछ कट करके सब कुछ रेडी करके अपने एक प्लेट में सजा के उनको दे देती हूँ कि ये लो ये लो ये लो बस। तो वो अपने लिए मतलब वो खाना बना रहे और बना करते वक्त ये भी बोल रहे हैं प्लीज़ मुझे शूट मत करो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली उनको बहुत शर्म फील होता है, लाइक शाय है बहुत ज़्यादा वो, कि मेरे के सामने थोड़ा सा वो कम वो करते खुल के आते हैं। तो मैंने सोचा मतलब मैंने बोल दिया चलो कोई नहीं, वैसे भी इतने अच्छे खाना बना रहे वो, तो एटलीस्ट सबको देखने दो। तो माशाल्लाह वो ऐसे इतना कुछ नहीं बना पाते, बस कुछ ही चीज़ें जैसे कि बिरयानी हो गए और कुछ गोश्त वगैरह हो गए मटन के या तो चिकन के वो बोटी के, वो सारे चीज़ें बना लेते हैं। बस मैं कभी कभार उनको बोल देती हूँ कि कभी चाय भी बना लिया करो तो मुझे भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर कभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो ऑब्वियसली कोई तो रहेगा ना चाय पिलाने के लिए। तो वो इतना हंसते वो सुन के, पर कोई नहीं, वो सब कुछ तो वैसे भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि वो रईसा को संभाल लेते, वही बड़ी बात है। वो उसको लाइक नाइट के टाइम वो उसको खाना वाना खिला देते तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। कि और रईसा भी बहुत एक्चुअली उसके पापा को बहुत ज़्यादा वो, हर कोई शायद हर बच्चे शायद अपने पापा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा कम वो हो जाता है। और ये मेरे हस्बैंड भर भर के मसाले डाल रहे हैं, जितना मैं नहीं डालती वो उससे ज़्यादा डाल रहे हैं, लाइक सब कुछ मसाले वो डालते, अलग अलग टाइप के मसाले लेके आते और वो अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ डालते। और वो जो ग्रेवी बनाते वो रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि चावल के साथ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मसाले हो जाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, पर रोटी के साथ बहुत मज़ेदार होता है। और हम तो आसाम के लोग हैं स्पेशली मैं, मुझे तो ऐसे रोटी इतना पसंद नहीं है, पर हाँ कभी कभार खा लेती हूँ, सुबह पराठा हो जाए तो अच्छी बात है, पर चावल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने चावल बना दिए साइड में थोड़ा करके। और बस हमारा खाना भी रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया और ये बैठे मूवी देखने के लिए। तो मैं सोची कि मैं सो जाऊँ और ऐसा को भी सुला दूँ, काफ़ी देर हो गई, शाम हो गए और मुझे वॉकिंग पे भी जाना था रईसा को लेके। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मगरिब के बाद चलते, मैं भी चलूँगा। हालांकि वो बोलते सिर्फ उसके बाद वो गाड़ी निकाल लेते, मुझे इतना कभी कभार गुस्सा आता जब से मतलब लाइक पहले जब मैं फर्स्ट दुबई में आई थी फर्स्ट ऐसे 1-2 मंथ, तब तक हमारे पास गाड़ी नहीं था, तो वो उसके बाद उन्होंने ख़रीद लिए और जब से गाड़ी ली है माशाल्लाह तब से हम तो वो मतलब वो हमारे साथ वर्क करने नहीं जा पा रहे कि वो हमेशा हमेशा मतलब लाइक ऐसे फील करते कि जिम चले जाते पर ऐसे वर्क करने के लिए वो बोल दे
कभी कभी ऐसे कुछ काम था या तो कुछ मार्केट पे चलते बोल के गाड़ी ले लेते। तो मैंने सोचा कि इसके बीच में कुछ मुझे एक स्वीट डिश बनाना था, तो मैंने सोचा कुछ वो बना दूँ। तो मैंने ये जेली का जो पाउडर है वो मैंने मिक्स करके जेली बना करने के लिए वो प्लेट में लगा दी। अभी मैं कस्टर्ड बनाने वाली, अभी तो मैं बाज़ार से कस्टर्ड पाउडर का वो पैकेट लेके आई थी। हमारे पास एक शॉप है, हमारे घर के सामने होता है वो, आदिल नाम का एक शॉप रहता है जहाँ पे इंडियन सब कुछ मिलता है। तो वो कस्टर्ड भी मैंने इंडियन कस्टर्ड लेके आई थी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब फ्लेवर था। तो मैंने फ्रूट्स जो थे मेरे पास, मतलब मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए बनाना और ग्रेप्स और वो एप्पल थे, और जो ड्रैगन फ्रूट्स थे वो मुझे मतलब इतना ख़ास पसंद नहीं, इसलिए मैंने वो दिए नहीं। तो बस मैंने कुछ 3-4 फ्रूट्स दे दिए और सब कुछ कट करके मैंने रख दिए, ताकि हम लाइक वो मैं कस्टर्ड पाउडर के साथ मिक्स कर लूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरा दूध भी उबल रहा है, वो मैंने गाढ़ा करने के लिए रख दिए थे, बहुत टाइम हो चुके। तो मैंने सोचा कि ये पिस्ता फ्लेवर कस्टर्ड है, कस्टर्ड को मैं थोड़ा सा दूध में मैं मिक्स कर लूँगी। पर मैंने गलती से लाइक रसा से बात कर रही थी या कुछ तो कर रही थी, तो उस हिसाब से मैंने उसमें ज़्यादा पाउडर डाल दिए थे। और बस क्या करें, अभी मतलब मुझे उस वक्त ध्यान नहीं था कि मैंने ज़्यादा पाउडर डाल दिए, तो बस मैंने थोड़ा सा मिल लेके उसको अच्छे से फेंट लिया, ताकि उसमें जो सब कुछ मिक्स हो जाए। तो मेरा दूध भी बहुत अच्छे से हो गया, तो मैंने आराम से इसमें सारे कस्टर्ड डाल दिए और उसको फटक फटक से मिक्स करने लगी। और वो जब मिक्स हो गया मेरा, मैंने तेज भी बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सब कुछ फ्रूट्स मिला के, मुझे तभी ध्यान मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, पर कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम मतलब था तो इसलिए कोई बात नहीं, मुझे तो सही से लगा। अभी मैंने थोड़े से ग्रेप्स के साथ उसको ऐसा जाके रख दिए, और ऐसा भी कल से मुझे बुला रही है, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में वो कर ली थी। और जेली भी मेरा अभी ऑलमोस्ट हो गया, तो मैंने उसको उसके ऊपर डाल दिया। और उसको टेस्ट करने के लिए, एक्चुअली टेस्ट करने के लिए भी कोई था नहीं, मतलब सबको वैसे तो थोड़ा सा कस्टर्ड मैंने अपने खुद के लिए भी लगा दिया, ताकि मुझे मैं खा लूँ, कि मैंने बहुत टाइम तक ये मतलब बहुत मिस कर रही थी कस्टर्ड को। तो सोचा कि पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड को दूंगी। और रात को भी वो खाए थे, और मतलब दिन में जो थोड़ा सा खाए, तो बोले कि कल सुबह मुझे वो ऑफिस में भेज देना, क्योंकि ऑफिस में भी वो खाएंगे उनके फ्रेंड के साथ। तो बस हम चले गए, अब वो हम गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने, तो क्योंकि हमारा जो पास का लूलू मॉल है वो बहुत बड़ा लाइक बहुत बड़ा है, पर मैं शॉर्टकट जाती हूँ ना, तो मैंने वो भी पूरा देखा ही नहीं अच्छे से। तो हम सब जाके वहाँ पे वॉक कर रहे थे, और तभी इतना लाइक फूड कोर्ट पे वो इतने स्मेल में मेरे हस्बैंड को रुका नहीं गया, वो मैं उनको खींच रही कि चलो घर पे खाना वाना सब कुछ इटे नहीं, फिर भी उनको यहाँ पे खाना है फ्राइड चीज़ें। तो बस मैं आ गई यहाँ पे वो कुछ फ्राइड चीज़ें खाने के लिए, और ऐसा भी बहुत मज़े कर रही है उसके पापा के साथ भी, और सब कुछ कर रही है वो, मतलब हर चीज़ें मतलब क्या बताओ उसको क्या क्या कर रही है। वो सब कुछ देख रही है, घूम रही है, वो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही, तो वो उसके पापा भी उसके पीछे दौड़े। तो मैंने सोचा चलो उनको दौड़ने दो, क्योंकि मेरे अभी मेरे में ताकत नहीं, पूरा दिन तो मैं संभालती हूँ, तो अभी उनको संभालने दो। और वो लिटरली उसके पापा जब रात को आए थे ना, वो पहले तो उनको पकड़ के प्यार से वो हंसी मज़े किया, तो उसके बाद वो
लगातार 15 मिनट तक इतना रोई इतना रोई, वो अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही। पता नहीं मुझे भी इतना बुरा लगा, उसके पापा को भी इतना बुरा लगा कि मतलब इतनी रोई उसको पापा को पकड़ के ऐसे टाइट करके पकड़ के इतनी रोई। पता नहीं उसको क्या समझ में आया, वो 2 दिन नहीं देखी ना तो इतना रोई। और रात को भी जब वो उसके पापा नहीं थे ना, रात को भी वो बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। तो आधी रात को उसको पापा पापा बोल के बहुत ज़्यादा रोती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आने के बाद भी इतना रोई। और ये देखिए अपने चाचू के साथ मज़े कर रही है, वो कर रही है। और ये हमारे सिंगल मेरे देवर है, ये सिंगल है, रेडी टू मिंगल। अगर किसी को उनके साथ कुछ कनेक्ट करना है तो प्लीज़ मैसेज करें, मैसेज में बताएं। और मेरी बेटी भी बहुत जोर जोर से वो कर रही है स्पीड में जाके, वो अपने उसके पापा भी वो ऑर्डर ले रहे थे तो उसके पापा के पीछे घूम रहा है पूरा, मतलब देखती वो। और हर किसी के पास जा रही है, शू खोल के अपना शू खोल के जा रही है और पकड़ पकड़ रही है, मतलब इतना स्पीड में दौड़ती है कि मानो क्या बताऊँ उसको, मतलब मैराथन दौड़ में लगा देना चाहिए उसको। और अब भी हमारा फूड भी आ गया, खाना भी एक फैमिली पैक है, इसमें फ्राइज़ मिलता है, चिकन का चिकन विंग्स मिलते हैं, चिकन स्टिक मिलते हैं, और एक बर्गर, एक पर्ब्स मिलते हैं और फ्राइज़। और हमने रईसा के लिए भी कुछ फ्राइज मंगवा दिए थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर जैसे लाइक मैं घर पे खाना बना के रखी थी ना तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो हुआ। और ये मेरे देवर पोज देने में बिज़ी है और ये दोनों बाहर बैठे, मतलब हद होती है। और मुझे तो भूख के मारे में मुझे वो हो रहा है, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं खा लेती हूँ, अभी तो उसके पापा के साथ बेटी है वो, तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ। और इतना यम्मी था, इतना यम्मी था, पता नहीं मुझे इतना अच्छा लगा, शायद हम सब साथ में थे ना इसलिए शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इसके पापा भी वो कर रही है, इसके वो अपने लाइक वो बोल रहे थे कि यार क्या कर रहे हो। तो मेरा भी मैंने बर्गर खा लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आधा बाकी था पर मैंने ख़त्म कर दिया। और जो फ्राइज बाकी था हम घर पे लेके आ गए, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या यार ये भी लेके जाना, तो मतलब नहीं मतलब अब मतलब हमने पैक किया है ना तो लेके चलते। तो बस आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।